इसमें हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो लिखा गया है, इस संबंध में आपको हमने बताया कि यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं, इनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएँ, साहित्यिक विशेषताएँ और पाठ का सार, इसमें हर प्रकार से आपको ये बताया कि जीवन परिचय, किस प्रकार की रचनाएं, साहित्यिक भाषा शैली आदि, और पाठ के सार के अंतर्गत हमने आपको शीर्षकों के द्वारा ये बताया कि बाल गोविंद भगत, भगत की साधु प्रवृत्ति, कि बाल गोविंद भगत कौन हैं और बाल गोविंद भगत की साधु वृत्ति प्रवृत्ति है, और आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत ने भगत के कंठ से फूटते कबीर के पद, भादो माह की रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ उनका संगीत, भगत की प्रभातियां, भगत जो हैं प्रातःकालीन जो पद गाया करते थे वो प्रभातियां, गर्मियों में आंगन में भीड़, भगत के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य, भगत की पतोहू के प्रति सजगता, कि भगत के जो लड़के की बहू थी, वह लड़के के गुजरने के बाद वह उसे घर भेज देते हैं, जबरदस्ती घर भेज देते हैं, तो उसके विषय में बताते हैं कि भगत के पतोहू के प्रति सजगता, और उसके बाद बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे हैं। ये तो इस प्रकार से यहाँ पर बाल गोविंद भगत के संबंध में ये सब बताया गया, तो पाठ का पूरा सारांश इस तरह आता है। तो अब हम ये देखते हैं कि पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पर बनते हैं। जैसे हमने कोई भी एक गद्यांश लिया, कोई भी गद्यांश हमारे सामने आता है, गद्यांश बनता है। जैसे गद्यांश में मान लीजिए मैं एक गद्यांश पढ़कर के आपको बता रहा हूँ, अब आप उसे अच्छी तरह से ध्यान से देखें और सुने। तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के गौरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंक्तियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो ये आपका एक पैराग्राफ अर्थात गद्यांश है। इस तरह से कोई भी गद्य आ जाए तो उसमें से आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के विषय में यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे इसी ही गद्यांश के अंतर्गत
आपसे कोई प्रश्न किया जाए कि बाल गोविंद भगत की कद काठी कैसी थी, तो इसी में से आप अच्छी तरह से ध्यान से उत्तर देंगे। जैसे बाल गोविंद भगत दिखने में साधारण से व्यक्ति थे, उनका कद मध्यम था, रंग गोरा चिट्टा और बाल पके हुए थे, वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे पर उनकी दाढ़ी बढ़ी रहती थी। तो इस प्रकार से इनका उत्तर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि भगत कबीर पंथियों का साथ जीवन जीते थे, इस बात को आप किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे, वह स्पष्ट करना है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर भगत स्पष्ट करने का यही एक साधन है, तरीका है, इसका यही उत्तर होता है। जैसे भगत संत होने का दिखावा नहीं करते थे, जो बाल गोविंद भगत थे वो संत होने का दिखावा नहीं करते थे, वे जटाजूट या लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, वे अनावश्यक कपड़े भी नहीं पहनते थे, वे मात्र लंगोटी और कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी धारण करते थे, वे चंदन का रामानंदी टीका और गले में तुलसी की माला पहनते थे। इससे स्पष्ट है कि वे कबीर पंथियों सा जीवन जीते थे। जिस प्रकार से कबीर पंथी जो हैं वो जीवन जीते हैं, उसी ही प्रकार से वह जीवन जीते थे। तो यहाँ पर इसी ही प्रकार से आगे प्रश्न किया जाता है कि भगत के पहनावे में कब और क्या परिवर्तन आता था। भगत के पहनावे में जाड़े में परिवर्तन आता था, उस समय वे काली कमली ओढ़ लिया करते। एक जब सर्दियों का समय आता तो उसमें एक काली कमली ओढ़ लिया करते। तो इस प्रकार से उसमें परिवर्तन आता। इसी ही प्रकार से एक गद्यांश हम और बताते हैं। जैसे गद्यांश सुनिए, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खां झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वे
गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपका गद्यांश हुआ, और गद्यांश से आपसे प्रश्न किया जाता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा गया। अब इसके उत्तर में आप बताएंगे कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, वे अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सच्चे साधुओं जैसा आचरण आचार विचार रखते थे और व्यवहार करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे और सदा खराब व्यवहार करते थे। वे बिना पूछे दूसरे की वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करते थे, इसलिए उन्हें साधु कहा गया है। अब आगे आपसे प्रश्न किया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कबीर में बाल गोविंद भगत की अटूट आस्था थी। तो इसमें बताते हैं कि बाल गोविंद भगत आडंबर एवं दिखावे से कोसों दूर रहते थे। उनके पास जो था, जो कुछ भी था या जो कुछ मिलता था सब साहब का, कबीर का अर्थात साहब को समर्पित कर देते थे। वे अपने खेत की उपज कबीर के मठ को समर्पित कर देते थे और प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसी ही में गुजारा करते थे। इस तरह कबीर में उनकी अटूट आस्था थी। तो इस प्रकार से यह इसका उत्तर माना जाता है। अब आपसे ये प्रश्न किया जाए कि आज के ढोंगी साधुओं के लिए भगत अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इसको आप स्पष्ट करें। तो इसमें यही उत्तर मिलता है कि आज के अधिकांश साधु, सच्चे साधु जैसा व्यवहार कम दिखावा अधिक करते हैं। वे धन दिप्सा, स्वार्थ पूर्ति, लूट खसोट में लीन रहते हैं। ऐसे साधुओं के लिए भगत अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये हुआ इसके उत्तर के अंतर्गत। इसी ही प्रकार से हम एक उदाहरण और देखते हैं, और इसमें इसमें देखते हैं कि एक गद्यांश के रूप में आपसे हम बताते हैं कि एक गद्यांश है, उस गद्यांश को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। इन सब के ऊपर मैं तो मुक्त था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही,
ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ तो ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। इस प्रकार यहां पर कानों की ओर, तो इसमें बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो यहां पर ये हुआ, यहां पर गद्यांश। अब गद्यांश में आपको प्रश्न किया जाता है कि आषाढ़ महीने में प्रकृति और लोगों के कार्य व्यवहार में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि आषाढ़ महीना वर्षा ऋतु का पहला महीना होता है और इस समय रिमझिम बरसात होती है। इससे खेती का काम शुरू हो जाता है, किसान हल चलाते हैं, इसी समय धान की रोपाई की जाती है। बच्चे पानी भरे धान के खेत में उछल कूद करते हैं। इस तरह इस महीने प्रकृति मुखरित हो उठती है। अब आपसे प्रश्न करते हैं कि बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर बाल गोविंद भगत मधुर स्वर में गीत गाया करते थे। प्रातः की बेला हो या खेत में काम करने का समय, भगत का गीत सुना जा सकता था या यह उसके गीत का जादू ही था। इसी प्रकार से यहां पर ये कहते हैं कि प्रातः ही अर्थात बाल गोविंद भगत मधुर स्वर में गीत गाया करते थे। प्रातः की बेला हो या खेत में काम करने का समय, भगत का गीत सुना जा सकता था। यह उनके गीत का जादू ही था कि खेलते हुए बच्चे झूमने लगते थे, खेत की मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुना उठती थी और हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये अब आगे कहते हैं कि यदि ये प्रश्न किया जाए कि भगत के स्वभाव में, अर्थात भगत के स्वभाव की दो विशेषताएं आप लिखिए, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वे अत्यंत मधुर स्वर में गाते थे। दूसरा, बाल गोविंद भगत अत्यंत परिश्रमी किसान थे, ये यहां पर बता दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर ये इस प्रकार आप
ये सारे के सारे प्रश्नोत्तरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर और इसी प्रकार के बहुतेरे और भी गद्यांश हैं और उनसे आप प्रश्नोत्तर निकालने का प्रश्न निकालने का प्रयास करेंगे और हर प्रकार से इनको अभ्यास में लेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको अर्थ संबंधी प्रश्नों के संबंध में बताया है उसी प्रकार से आप सहज किसी भी गद्यांश को लेकर के और उनमें से प्रश्नोत्तरी निकाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार आप उनके प्रश्नोत्तर बनाएं और इसका अभ्यास करें। तो हम हर तरह से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और आज केवल इतना ही और कल बताएंगे।